नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज मैं आपको हमारे शरीर के 7 चक्रा है, 7 चक्र हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वैसे शरीर हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा चक्र होते हैं, पर ये 7 चक्र मुख्य चक्र होते हैं। इन चक्रों को हम लोग एनर्जी पॉइंट भी कहते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं। अगर ये चक्र बराबर से नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई चीज़ की बीमारी हो जाती है, हमारे लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। उसी प्रकार मैं आपको एक एक चक्र के बारे में बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग शुरू बात करते हैं मूलाधार चक्र पे, जिसे हम लोग रूट चक्रा भी कहते हैं। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है, आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ ये मणिपुर मूलाधार चक्र का पॉइंट है। अगर आपको किडनी या कॉल ब्लैडर या पैर लेग्स या आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, यानी आपके कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, भले आपका जॉब है या बिजनेस है, स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ का डर लगा रहता है कि आज है या कल नहीं है, यानी आपके मूलाधार चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, छोटी छोटी बात पर हमें डर लगता है, या हम लोग कोई भी काम को लंबा खींच देते हैं, इच्छा नहीं होती करने की, तो हम उसे कहीं ना कहीं आपके मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, उसे हम लोग सैक्रल चक्र भी कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड अगर आपको कोई तकलीफ है, यानी आपका स्वाधिष्ठान चक्र में कुछ तकलीफ है, ब्लड सर्कुलेशन है, वापस से कॉल ब्लैडर आ गया, सेक्सुअल ऑर्गन यानी कहीं ना कहीं आपका स्वाधिष्ठान चक्र में तकलीफ है, आपको कोई चीज़ का एडिक्शन हो, या हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ में बराबर नहीं चल रहा, भले वो दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, ऑफिस हो या हमारे क्लाइंट, स्वाधिष्ठान चक्र पर आपका ये तकलीफ है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं मणिपुर चक्र के ऊपर। मणिपुर चक्र यानी कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र हो जाता है ये हमारे लिए, हमारे नेम और फेम के लिए। अगर आपको डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन है, पाचन क्रिया में कुछ तकलीफ है, यानी आपके मणिपुर चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है, हम लोग कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं पर वो प्लानिंग हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में हम लोगों का हार्ट चक्र आ जाता है। हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बहुत बार आदत होती है कि हम पुरानी चीज़ें ले लेके बैठते हैं और उसे हम लोग हमारे दिल में जगह देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम उसी कारण होती है जो हम लोग पुरानी चीज़ें के बारे में और पुराने लोगों के बारे में सोचते हैं। हमें बीपी की तकलीफ हो जाती है, हमारे हाथ से रिलेटेड, हमारे हाथ हैं चेस्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ हो गई, यानी कहीं ना कहीं हार्ट चक्र आपका बराबर नहीं चल रहा है। नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हम लोग दूसरों के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स ला जाते हैं, पास्ट बैगेज लेके चलते हैं, पुरानी चीज़ें जैसे मैंने बताया लेके चलते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और किसी ना किसी को कोसते रहते हैं, बहुत तकलीफ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने इंपॉर्टेंट हम इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं आपको थायराइड है, आपको गले से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, अगर आपको कोई दमा है, कान की तकलीफ है, मुंह के अंदर कोई तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं आपके थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम है। हम लोग बराबर से लोगों का सुनते नहीं हैं, सुनते हैं ध्यान में रहता नहीं है, कम्युनिकेट बराबर नहीं कर पाते, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहता है, हमारी बातों में कोई वजन नहीं रहता, यानी कोई हम पे भरोसा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आपके थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं थर्ड आई चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड आई चक्र में हमारी आंखें आ जाती हैं, हमारा ब्रेन आ जाता है, हमारे जबड़े आ जाते हैं, हमारे सर से रिलेटेड कोई भी तकलीफें आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे थर्ड आई चक्र में है। हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस आ जाता है, हमें टेंशन आ जाता है, आपके थर्ड आई चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं क्राउन चक्र पे। क्राउन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें डिप्रेशन हो जाता है, हम लोग कुछ चीज़ सोच नहीं पाते हैं, हमारी जो हम लोग क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, हम लोग कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है ऊपर वाले से, मन की शांति जो बोलते हैं वो नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र में कुछ ना कुछ तकलीफ है। ये सब चीज़ों को हम हमारे 7 चक्रों को हम लोग हील कर सकते हैं रेखी के माध्यम से। रेखी के माध्यम से हम इन्हें हील कर सकते हैं और हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी और जो भी चीज़ों की जरूरत है वो ला सकते हैं। रेकी से रिलेटेड या रेकी कोर से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108562646। क्योंकि ये छोटा सा वीडियो था, इसके लिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया, आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।